हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है और मैं हूँ सृष्टि। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करें। आज हम चार तरीके की आंवले की चटनी बनाएंगे। खट्टा, मीठा, तीखा, हर तरीके का आपको फ्लेवर मिलने वाला है। हर एक चटनी अपने आप में बहुत यूनिक है और साथ ही ये बहुत लाजवाब भी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे किसी भी तरीके से कंज्यूम करें। आप इसे रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, आप इसे लंच में, डिनर में, किसी भी तरीके से एंजॉय करें, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और दोस्तों, इसको बनाना भी बहुत क्विक है, फटाफट से बन भी जाती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आंवले की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, और पैन में हम डालेंगे एक चम्मच देसी घी। घी हमारा गरम हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच सौंफ, हाफ टेबल स्पून जीरा, आधी चम्मच डालेंगे इसमें बनारसी राई, और साथ ही हम इसमें डालेंगे अजवाइन और प्रयोग करेंगे कलौंजी का और दो लाल मिर्च, सूखी मिर्च। हमारी चिटक चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ, बॉईल करके पीस लिया है आंवले को, और इसको हम यहाँ पे 5 से 6 चम्मच प्रयोग करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आंवले को बॉईल करके उसके बीज को हटा के अच्छे से पीस लिया है और इन सारी चीजों को हम इसमें डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पे हम इसे चलाते रहेंगे। दोस्तों, इस तरीके से चटनी को बनाया जाए बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बनती है। इसको बनाना भी काफी इजी है। इसको मैंने 2 मिनट भून लिया है और भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच जागरी पाउडर। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास गुड़ था, गुड़ के मैंने फ्लेक्स बना लिए हैं और सब प्रयोग कर रहे हैं। आप इस तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर जागरी पाउडर भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, गुड़ से भी इसका फ्लेवर अच्छा आता है, इसमें चीनी इतना टेस्टी नहीं लगता है, तो गुड़ का ही प्रयोग करें। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधी कटोरी पानी। दोस्तों, आधी कप भी आप इसमें डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक, और इस खट्टी मीठी आंवले की चटनी में हम डालेंगे कुछ किशमिश, कुछ काजू। दोस्तों, ये ड्राई फ्रूट जब इस चटनी में आते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इस तरीके से इसको डाल के आप जरूर बनाएं। खट्टी मीठी आंवले की चटनी हमारी रेडी है और अब हम करते हैं गैस को बंद। चटनी को बनाने के लिए मैंने एक ब्लेंडर लिया है और ब्लेंडर में हम डालेंगे बॉईल करके पीसा हुआ, पेस्ट बनाया हुआ आंवला। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच आंवले का प्रयोग किया है और अब हम इसमें डालेंगे हरे धनिए के पत्ते। दोस्तों, पत्ते ही नहीं, इसको डंडी के साथ डालें क्योंकि उसका असली टेस्ट, उसका असली मजा डंडी में ही होता है। और यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे 4 हरी मिर्च का, साथ ही इसमें जाएंगे 4 लहसुन की कलियां और इसमें 1 बड़े साइज का टमाटर जिसको भी मैंने चॉप कर रखा है। इन सारी चीजों को मैंने ब्लेंडर में डाल दिया। चटनी को और भी लाजवाब बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं अजवाइन, जो कि 1/2 टेबल स्पून है,
और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, जो कि स्वादानुसार रहेगा। हाफ टेबल स्पून यूज किया है। और इसमें जाएगा एक छोटा चम्मच काला नमक। और अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ एक चम्मच चीनी। दोस्तों चीनी जरूर डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर मिलने वाला है। और अब हम जार को बंद करते हैं, इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। दोस्तों अभी पूरी तरीके से नहीं पिसा है, क्योंकि हमारा टमाटर इतना जूसी नहीं था। मुझे ऐड करना पड़ेगा इसमें थोड़ा पानी, तो आधी कटोरी पानी डालेंगे। और फिर से हम इसे बंद करेंगे, फिर से हम इसे पीसेंगे। और फाइनली हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छी बनी है, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। और अब इस चटनी का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल। दोस्तों सरसों के तेल का ही प्रयोग करें, और एक चम्मच इसमें आप डालेंगे, आपको जो लाल मजा आने वाली है इस चटनी को खाने के बाद बहुत अच्छा लगने वाला है। इसको बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है, और बाउल में हम दो चम्मच बॉयल किए हुए आंवले को का पेस्ट लेंगे। इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच काला नमक, साथ ही इसमें सादा नमक ऐड करेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच कश्मीरी मिर्च। इन सभी चीजों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल। दोस्तों जब भी आप नमकीन चटनी बनाते हैं तो उसमें मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और जो इसका ग्रीजीनेस जो आती है चटनी में वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो जो आंवले का प्रयोग हम विंटर्स में हमेशा प्रेफर करते हैं, तो जरूर करें। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, और बाउल में हम डालेंगे आंवला, जो कि बॉईल करके पेस्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे हम दो चम्मच आंवले का प्रयोग करेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी डाबर हनी। दोस्तों कोई भी हनी आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चार चम्मच हनी डालूंगी। इसकी मिठास जो है वो हनी से ही आने वाली है, तो इस यहाँ पे हमें चार चम्मच हनी का प्रयोग करना पड़ेगा। दोस्तों ये चटनी काफी हेल्दी होती है, आप देख रहे हैं कि ये आंवले से बन रही है, हनी से बन रही है, काफी अच्छी होती है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। दोस्तों यहाँ पे हम कोकोनट का प्रयोग करेंगे। कोकोनट जब इस चटनी में टेस्ट आता है तो उसका काफी अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे इसमें एक छोटा चम्मच नमक, काला नमक डाला है। और अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून रोस्टेड गरम मसाला। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। इन सभी चीजों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे अब मैंने लिया है एक चम्मच देशी घी, और यहाँ पे हम देसी घी को गरम करके इसमें डाल देंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें।